और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। दरअसल भोपाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, बर्बरता की जा रही। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में देखें। तस्वीरें भोपाल की जहांगीराबाद इलाके की है, जहां कलयुगी पोते और बहू की शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई है। पोते और उसकी पत्नी का अपनी ही दादी पर अत्याचार करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पोता पत्नी के साथ मिलकर किस तरह अपनी दादी पर जुल्म कर रहा है, बुरी तरह से पीट रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स भोपाल के जहांगीराबाद में रहने वाला दीपक सेन है। इस वीडियो को दीपक के मकान मालिक ने चुपके से बनाया, जिसके बाद पोते के अत्याचार की तस्वीर सामने आई। वीडियो वायरल होने के साथ ये दंपति दूसरे राज्य भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी थाने में जमकर खातिरदारी की, उसके बाद देखिए कैसे ये दंपति हाथ जोड़े नजर आ रहा है। ये घटना 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है, और ये उस घटना के बाद जो परिजन आए थे झांसी से, उनके साथ जो दादी है आरोपी की, वो चली गई थी झांसी, और उसके बाद इनको जो हिरासत में लेके अब दादी को वहाँ से बुलवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दीपक पत्नी के साथ मिलकर आए दिन अपने बुजुर्ग दादी के साथ इसी तरह से मारपीट करते थे। होली के दिन मकान मालिकों ने दादी पर अत्याचार का ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में आप देखिए कि पोता कैसे अपनी दादी का गला और मुंह दबा रहा है और उसकी पत्नी डंडे बरसाती नजर आ रही है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि मारपीट क्यों की गई है। पीड़िता भी झांसी जा चुकी है, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला को बयान दर्ज कराने के लिए झांसी से वापस बुलाया गया है। पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद धाराओं को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दंपति के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। भोपाल से हरप्रीत कौर की रिपोर्ट IBC 24 के लिए।